हेलो फ्रेंड्स, दिवाकर एकेडमी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग टेम्पलेट अंडरस्कोर इंक्लूड फिल्टर हुक के बारे में सीखेंगे। तो अगर आप वर्डप्रेस में वर्क करना चाहते हो तो टेम्पलेट पेज शो कराने के दो तरीके हैं। पहला तरीका है कि वर्डप्रेस जो देता है आप कोई कस्टम पेज क्रिएट कर लो। जैसे मैं एक कस्टम पेज क्रिएट कर लेता हूँ यहाँ से, और उसके बाद एक कस्टम टेम्पलेट बनाऊंगा। कॉन्टैक्ट नाम से मैंने एक पेज क्रिएट कर दिया, और यहाँ पे एक मैं टेम्पलेट पेज क्रिएट कर देता हूँ। जैसे मेरा भी 2020 थीम 1 एक्टिवेट है 2021, तो यहाँ से मैं एक फाइल क्रिएट करूँगा और यहाँ पे लिख दूंगा टेम्पलेट कॉन्टैक्ट डॉट PHP, और यहाँ पे मैं PHP स्टार्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पे टेम्पलेट नेम कॉन्टैक्ट पेज कर देता हूँ फ्रेंड्स, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ H1 कॉन्टैक्ट टेम्पलेट, और यहाँ से इसे मैं सेव कर दिया। अब मैं इसे इस कॉन्टैक्ट पेज पे व्यू करके आपको दिखाता हूँ। तो अभी ये डिफॉल्ट जो पेज चल रहा होगा वही कॉन्टैक्ट पेज आपको दिख रहा है, पेज डॉट PHP कॉल हो रहा है। आपको मैं दिखा भी देता हूँ पेज डॉट PHP। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इको एज टू पेज डॉट PHP। देखिए पेज डॉट पे, लेकिन मुझे कस्टम टेम्पलेट पेज चूज करना है, तो यहाँ से एडिट पे मैं क्लिक करूंगा और यहाँ पे आपको टेम्पलेट दिख रहा है। यहाँ से आप टेम्पलेट कॉन्टेक्ट पेज का आप चूज कर सकते हो। यहाँ अपडेट कर देते हैं फ्रेंड्स। अब आप मैं इसे ही रिफ्रेश करूंगा तो अब टेम्पलेट पेज कॉल होगा यहाँ पे। तो ये बाय डिफॉल्ट वर्डप्रेस देता है, इस तरह से आप कर सकते हो। अगर आप दूसरा तरीका ये है कि आप टेम्पलेट इंक्लूड का आप यूज कर सकते हो, तो मैं यही अभी इस फिल्टर हुक के बारे में बता रहा हूँ, तो इसे मैं यूज करके दिखाता हूँ। ऐड फिल्टर, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा टेम्पलेट अंडरस्कोर इंक्लूड, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा DA include template। इसी तरह से फाइल यहाँ से मैं इंक्लूड करना है, इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ। अगर इसमें आप प्रायोरिटी भी सेट कर सकते हो तो मैं 99 दे देता हूँ, और यहाँ पे फंक्शन इसे पेस्ट कर दिया और टेम्पलेट टेम्पलेट यहाँ से मैंने रिसीव कर लिया। अब मैं चेक करता हूँ इफ इज पेज, और पेज का स्लग यहाँ पे हमें देना है। स्लग यानी कि आप यहाँ पे परमालिंक्स पे क्लिक करोगे तो इस स्लग है, इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ फ्रेंड्स। यहाँ पे डॉलर टेम्पलेट टेम्पलेट अंडरस्कोर फाइल में मैं एक लोकेट टेम्पलेट, और इसमें एरे में हमें पास करना पड़ेगा उस टेम्पलेट फाइल का नाम। तो आप मैं लिख देता हूँ टेम्पलेट, यहाँ पे हमने क्या बनाया है इस पेज का नाम, तो यहाँ पे मैं देख ले टेम्पलेट कॉन्टैक्ट टेम्पलेट अंडरस्कोर कॉन्टैक्ट डॉट PHP, और इसको चेक कर लेता हूँ इफ नॉट एम्प्टी
नॉट एम्प्टी, अगर ये नहीं एम्प्टी हो तो रिटर्न डॉलर टेम्पलेट फाइल। इस तरह से आप कर सकते हो, लास्ट में आप रिटर्न टेम्पलेट टेम्पलेट इस तरह से कर सकते हो। मैं अभी से डिलीट कर देता हूँ आपको यहाँ से, या आपको यहाँ से मैं डिफॉल्ट टेम्पलेट चूज कर लेता हूँ और इसे डिलीट भी कर देता हूँ। आपको जो मैंने यहाँ से जो मैंने टेम्पलेट के लिए कमेंट कर रखा है, ये टेम्पलेट कॉन्टैक्ट, यहाँ से ये टेम्पलेट मैं इसे डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। अब मैं एक बार इसे रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ से आपको जो टेम्पलेट दिख रहा था वो ऑप्शन यहाँ से रिमूव होना जानी चाहिए, क्योंकि अब टेम्पलेट है नहीं इसमें। देखिए फ्रेंड्स, अब मैं इसको आपको ओपन करके दिखाऊं, तभी भी ये टेम्पलेट कॉल हो रहा है। तो अगर आपको चेक करना है तो इस तरह से भी दूसरा फाइल करके क्रिएट करके भी दिखा देता हूँ। मैं लिख देता हूँ टेम्पलेट पेज डॉट पीएचपी कर देता हूँ। इससे अच्छा इसमें ये लगा देता हूँ कॉन्टैक्ट टेम्पलेट पेज कर देता हूँ। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, इसे मुझे यूज करना है, और यहाँ पे ये इसको कट करके बाहर डाल लेता हूँ, या कहीं पे भी डाल दूँ तभी भी ये चलेगा। पेस्ट, और इसे मैं एक बार इसके फाइल को नेम को कॉपी कर लेता हूँ कंट्रोल सी, और यहाँ पे मैं टेम्पलेट का नाम यहाँ पे ये पास कर दूंगा। ठीक है, तभी भी ये वर्क करेगा फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पे मैंने कुछ नहीं लिख रखा है, यहाँ पे मैं लिख दूंगा कस्टम टेम्पलेट इंक्लूड कर देता हूँ, इंक्लूड ये मुझे। हाँ, मैं रिफ्रेश करूंगा तो आप इस तरह से, अगर और भी पेजेस का आप टेम्पलेट क्रिएट करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। मैं किसी एक और पेज का दिखा देता हूँ, जैसे यहाँ पे टेस्टिमोनियल्स है, तो इसको मैं एडिट कर लेता हूँ और मैं एक पहले टेम्पलेट पेज क्रिएट कर लेता हूँ, कोई फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, उसे टेम्पलेट इंक्लूड का यूज करके डिस्प्ले कराऊंगा। तो यहाँ पे लिख देता हूँ टेम्पलेट पेज डॉट पी एच पी, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और ओके कर देता हूँ। अब यहाँ पे हमें फंक्शन इंडेक्स डॉट पी एच पी में आना है, और यहाँ पे इसको सिंपल कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। अब मुझे स्लग चाहिए तो ये टेस्टिमोनियल को कॉपी कर लिया और यहाँ पे मैं पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे इस फाइल को हमें कॉपी कर लेते हैं इसको, और यहाँ पे इसे पेस्ट कर देता हूँ फ्रेंड्स, और यहाँ पे लिख देता हूँ H2 testimonial page। अब मैं इसे एक बार व्यू करके दिखाता हूँ।
देखिए फ्रेंड, इस तरह से टेस्टिमोनी। अब मैं इसे रिफ्रेश करूंगा तो आप देख सकते हो यहाँ चेंज भी हो रहा है। यहाँ पे अगर हेडर लगाना है तो हेडर फुटर भी लगा देता हूँ, आपको दिखा देता हूँ। गेट हेडर और नीचे गेट फुटर, तो इस तरह से आप टेम्पलेट इंक्लूड का यूज कर सकते हो। देखिए फ्रेंड्स, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन दबा देना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।